ठीक so, uh, uh, है स्टार्ट करें दीपांशी श्रेया yes, sir. Okay. So, uh, हम लोग बात करेंगे आज हाइपोथिस टेस्टिंग जो की स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है ठीक है तो सबसे पहले थोड़ा जानते हैं कि स्टैटिस्टिक होता क्या है तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ओके okay? पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो जाहिर सी बात है अगर आप डेटा साइंस आप बोल रहे हो कि मैं जानता हूँ डेटा साइंस तो इट्स लाइक ठीक है आपको पाइथन वाइथन आ गई बट यू शुड बी गुड इन स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक में ये दोनों में हमें कमांड लानी जरूरी है तो पहला जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये हमने कर रखा है तो पहले की जितनी भी क्लासेस थी उसमें हम क्या कर रहे थे उसमें हम जो डेटा है उसका हम लोग एक तरीके से सेंट्रल से टेंडेंसी निकाल रहे थे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है ना मीडियन ये सब और उसको ग्राफ्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब कि प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा एं, मतलब डेटा को प्रेजेंट करना या उसको ऑर्गेनाइज करना चार्ट्स के फॉर्मेट में या फिर एक तरीके से उसकी समरी दे देना कि आखिर डेटा बोलना क्या चाह रहा है या डेटा किसके बारे में ठीक है इतना क्लियर है तो हमने डे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो अच्छे से कर रखा है तो हम इस क्लास uh, में बात करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अब और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक पार्ट होता है पैरामीटर एस्टिमेट्स ओके और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और नाउ Again, ये जो पैरामीटर एस्टिमेट्स मतलब ये, ये, ये वाले को अभी हम कवर नहीं करेंगे testing, जो बहुत होती है. तो आज हम हाइपोथिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो अब आ, बात आती है कि ये पहले तो बात करते हैं इन्फ्रेंशल स्टैटिस्टिक होता क्या है तो अभी तो हमने बात की कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो अभी ग्राफ के बारे में बता रहा है

हम कोई आइडिया लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं पे कोई आइडिया इन्फ्लुएंसर भी पढ़ा हो सर oh, वेरिएंस निकाल रहे हैं uh, आ, तो वो तो हम उसमें कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में राइट right? उसमें हम लोग वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मीडियन ग्राफ व्राफ ये सब कर लिया है ना बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो मैं तुम्हें तो थोड़ा क्लू देता हूँ पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग पहले तो यही क्वेश्चन होता है मैं जब स्टार्ट किया था मेरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला इसका आंसर मैं देना चाहूंगा इसका पहले ना इसको समझने से पहले मैं कुछ टर्म्स बता देना चाहता हूँ ठीक है पहले तो ये ये पॉपुलेशन क्या है तो देखो पॉपुलेशन जो होती है ना पॉपुलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और यूनिट्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू नो समथिंग और ड्रॉ एन इंफ्रेंस ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम कोविड नाइनटीन का तुम्हारे पास डेटा सेट है ठीक है अभी हमें दिखा कि कैसे मतलब आ, सब लोग वैक्सीन बना रहे थे हर एक कंट्रीज पूरा एफर्ट कर रही थी कि वो वैक्सीन बना ले अब जाहिर सी बात है तुम बताओ दीपांशी जब वैक्सीन निकलती है तो क्या हम पूरी मतलब वो वैक्सीन सूटेबल है कि नहीं ये कैसे पता लगाएंगे मतलब क्या तुम पूरी पॉपुलेशन को करोगे और मान लो वैक्सीन फेल होगी तो सब मर जाएंगे तो मतलब हम क्या करते हैं हम कुछ लोग के ऊपर करते हैं राइट सर मतलब हम uh, कुछ लोग हाँ. करेंगे वो तो ठीक है वरना फिर सेकंड स्टेज में जाएंगे अगर सक्सेसफुल हुआ तो राइट right. वरना तो, वो वहीं रोक देंगे एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारे साथ बहुत बार होगा कि जो भी हमारे पास डेटा है ना वो पूरी पॉपुलेशन का नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे वो जो डायबिटीज वाला डेटा हम जो कल देख रहे थे क्या तुम्हें लगता है वो पूरे पेशेंट्स का होगा पूरी दुनिया के पेशेंट्स का no, नहीं ना वो तो कुछ लोगों के लिए है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितना वैलिड है वो सब लोगों के लिए ये तुम कैसे पता लगाओगे तुमने तो बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुमने वो डायबिटीज वाला डेटा सेट लिया तुमने एज एज कॉलम था उसमें याद है एज कॉलम था ना उसमें यस yes, सर तो तुमने क्या किया सबकी एज एवरेज करके निकाल दी तुमने बोला कि जिनको भी डायबिटीज होती है ना उनकी एवरेज इतनी है ये तुम्हारी बात कितनी वैलिड है ये तुम कैसे प्रूफ करोगे क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ हजार लोग का डाटा है और इस दुनिया में बिलियंस लोग रहते हैं तो हाउ यू कैन टेल कि ये जो मीन है एज का ये पूरे पॉपुलेशन के लिए वैलिड है ये तुम कैसे पता लगाओगे तो इस चीज के लिए हम पढ़ते हैं इंफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स शियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इट्स लाइक इट्स मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू हैव पॉपुलेशन डेटा तो हम क्या करते हैं इस पॉपुलेशन डेटा से एक सैंपल लेते हैं तो जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको एक तरीके से सैंपल बोल सकते हैं तो हमने इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया उस सैंपल में हमने कुछ निकाला जैसे वो डायबिटीज वाला डेटा था तो पॉपुलेशन मान लो कि पूरी दुनिया में जितने लोग को डायबिटीज हुआ वो सब पॉपुलेशन बोलते हैं उनमें से कुछ डेटा मेरे को कैगल में मिल गया तो वो हो गया सैंपल अब इस सैंपल में मैंने कुछ मीन निकाला एज का कि भैया 23.5 है मेरी एवरेज एज है इस में बट हाउ कैन आई प्रूव कि ये जो एज है ये पॉपुलेशन से मैच करती है तो उस चीज के लिए हम करते हैं टेस्टिंग ठीक है, कि टेस्टिंग करनी है हमको तो यस yes, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है तो इसको समझने से पहले तो मैं ये समझ में आ गया पॉपुलेशन क्या है सैंपल क्या है इसमें कोई डाउट दीपांशी श्रेया यस सर क्लियर ओके श्रेया का भी आया है सर ओके तो अब स्टैटिस्टिक्स uh, क्या है अच्छा इसमें देखो तुम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी लिखा हुआ है पैरामीटर भी दिया हुआ है तो देखना यहां पे ये यह क्या है इसका देखो बहुत सिंपल है पॉपुलेशन का पी ले लो तो पैरामीटर हो गया तो पैरामीटर जो भी होता है ना वो पॉपुलेशन के लिए होता है और सैंपल का एस ले लो और स्टैटिस्टिक्स का पॉपुलेशन तो तो मीन दिया हुआ है सैंपल मीन दिया, दिया हुआ है वैसी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया हुआ है प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं क्या है ये, और सैंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है मतलब तुम ये समझ पा रहे हो कि हमें क्या प्रूफ करना है वो जो एज है उसका मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है मतलब सैम्पल मीन हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन मीन हम लोग कभी निकाल नहीं सकते तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग मतलब कैसे करेंगे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं और बोलते हैं कि ओके पॉपुलेशन मीन का ना लगभग लगभग वैल्यू इतना ही होगा एग्जैक्ट नहीं कर सकते पर वी कैन बी नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर या नाइंटी एट परसेंट श्योर तभी तुम देखते कि वैक्सीन जो होती है उसमें क्या बोलते हैं कि 95 बोल रहा है है ना कोई भी चीज 100 परसेंट होती नहीं है वैसे हो हो तो, sure, right? तो वो लोग भी एक टेस्ट करके करते की ठीक है ये ना जो वैक्सीन हमने निकाली ये वैक्सीन नाइनटी काम कर जाएगी पर फाइव फेल भी होगी ये हमेशा याद रख तो अब हम बात करते थोड़ा हाइपोथेसिस होता क्या है तो इसके आगे तो बेसिक टर्म्स यही है जो मैं बताया तो एक तो यही है पॉपुलेशन क्या होती है पॉपुलेशन वही तुम देख लो डेफिनेशन ठीक है मतलब यही होता है कि देखो सैंपल का जो मीन है वो इक्वल है पॉपुलेशन का मीन ये इन्फ्लुंस होता है पॉपुलेशन का मीन लगभग लगभग इतना ही होगा एंड अ सैंपल कंसिस्ट ओनली ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स सच अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सैंपल ठीक है वही है उसको कंप्यूटर भाषा में बोल दिया अब बेसिक uh, टर्म में पैरामीटर्स में आता है एनी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन ऑल पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर ठीक है जैसे ये हो गया स्टैटिस्टिक्स में एनी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन सैंपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स uh, तो uh, तुम्हें ये समझ में आ गया कि पैरामीटर स्टैटिस्टिक क्या होता है और पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है इसमें कोई डाउट नो no, सर श्रेया तुम भी लिख दो यहाँ पे कोई डाउट तुम्हें चैट पे लिख सकते हो ओके सो अब हमने भैया इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा समझा अब थोड़ा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में करते हैं तो मैंने अभी बताया हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो हमें हेल्प करती है क्या की हम पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा कुछ बता पाए क्योंकि हमारे लिए फीजेबल नहीं है ना इतना सारा डेटा कलेक्ट करना वो इम्प्रैक्टिकल है कोई तुम्हें हाइपोथेसिसम्पन डेट वी मेक अबाउट पॉपुलेशन हम एक assumption करें ये हमेशा याद रखना हम एज्पन करते हैं तभी वैक्सीन भी 95 ही है एक कोई ये नहीं बोलता मेरी हंड्रेड एक्यूरेसी है वैक्सीन तो फिर तो सब ले लेंगे तो वही है ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं देखो हमेशा याद रखना हाइपोथेसिस क्या होती है जैसे आ, तुम लोगों ने कभी ये किया है जैसे मैं क्या करता हूँ जैसे कुछ भी कोई प्रॉब्लम आई ठीक है तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस लेता हूँ मैं कि मतलब इफ एल्स कंडीशन पता है तुम्हें इफ एल्स कंडीशन पता है ना yes, तो मैं क्या करूंगा Uh, मैंने अपना जो डेटा है एज वाला जो डेटा है उसमें मैंने मीन निकाला ठीक है डायबिटीज वाले पेशेंट्स का मैंने एवरेज निकाल लिया एज का मैंने क्या बोला देखो ये दो कंडीशन में से कुछ होगा या तो पॉपुलेशन का एवरेज इसके इक्वल होगा या इसका एवरेज इक्वल नहीं होगा ये दो कंडीशन ही होंगी right. राइट yes, तो, दो कंडीशन में कुछ ना कुछ तो होगा अब वो तो हम टेस्ट करेंगे तो वो होते ना केमिस्ट्री लैब में कुछ टेस्ट करते हैं वैसे हम टेस्ट कुछ करेंगे उसमें हमें कुछ रिजल्ट आएगा कि ठीक है आ, मेरा जो है कि एवरेज की इक्वल है ये दे रहा है टेस्ट जैसे कोविड का टेस्ट होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव वैसे तुम समझ लो पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारा क्या हुआ एवरेज जो है वो इक्वल हो गया पॉपुलेशन के नेगेटिव आ गया तो इक्वल नहीं है तो ये टेस्ट है तो टेस्ट के लिए तुम्हें कुछ बनाना पड़ेगा है ना जैसे कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव वैसी यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो होती है तो तुम्हें डायग्राम में देखो एक प्रॉब्लम जो होती है उसका एक हाइपोथेसिस होता है या तो होगा या नहीं होगा तो जो होगा उसको बोलते हैं एच नॉट जो नहीं होगा उसको बोलते हैं एच वन अभी एच नॉट एच वन क्या है एक एग्जांपल लेते हैं क्या एग्जांपल है इन इंडिया एवरेज टीवी सेट्स इन अ होम मतलब एक घर में एवरेज कितने टीवी हैं लगभग तीन ये मेरा एक टेस्ट मुझे टेस्ट करना है अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो हर किसी के घर में जाके देख नहीं सकता ना तो मैं क्या किया कुछ लोग का लिया दस बारह लोग का लिया डेटा और मैंने ये हाइपोथेसिस क्रिएट की हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कंडीशंस ठीक है कंडीशन क्रिएट की या तो तीन टीवी होंगे सबके घर में या तीन टीवी नहीं होंगे सबके घर में ठीक है दो चीज समझ में आई इसमें कोई डाउट एच वन क्या है no, ठीक है तो अब ये H0, H1 को बोलते क्या है तो एच नॉट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब ना मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन जब मैं टेस्टिंग सीख रहा था मुझे यही हुआ था कि नल हाइपोथेसिस हमें रखना कैसे क्या मैं कुछ भी रख सकता हूं तो हमेशा याद रखना नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि ये तो हमेशा होगा मतलब जैसे क्वेश्चन uh, में तुम्हें दिया जाएगा एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये एवरेज के इक्वल है क्या ये एवरेज के इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा हाँ वो इक्वल है मतलब वो हमेशा हाँ बोलता है तो ये हमेशा याद रखना नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलता है हाँ ये तो होके रहेगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा उसको काटता है मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है नहीं है तो नहीं होगा तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ले लो ये चीज तुम्हें बहुत हेल्प करेगी तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एवरेज टीवी जो है वो सबके घर में तीन होंगे क्या ये है पॉसिबल कोई हमसे क्वेश्चन पूछा क्या ये है पॉसिबल मैं सबसे पहले तो कंडीशन लगाऊंगा ठीक है पॉसिबल है वो हुआ नल हाइपोथेसिस पॉसिबल नहीं है वो हुआ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है तो इतना समझ में आया कि इसको सेट कैसे करना है एच नॉट और एच वन को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे अभी मैं मानता हूं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा एक एग्जाम्पल देते तुम लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है तो एक बार ये पढ़ लेते हैं तो नल हाइपोज क्या होता है डिनोटेड एज एच नॉट नथिंग न्यू इज हैपनिंग ठीक है द नल कंडीशन एग्जिस्ट द स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड मतलब जो हमें स्टेटमेंट हाँ श्रेय का एक क्वेश्चन आया वैक्सीन वाले एग्जांपल से क्लियर हो गया ओके okay. तो वैक्सीन वाला एग्जांपल यही है श्रेया कि क्या ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव होगी या मतलब 95 फाइव परसेंट लोगों पे इफेक्टिव होगी ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा और ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि नहीं होगी मतलब हो सकता है कम होगी 94 फोर हो सकती है 93 थ्री हो सकती है कुछ भी हो सकता है अब समझे श्रेया तो नल बोलेगा कि हाँ होगा ऑल्टरनेटिव बोलेगा नहीं होगा ठीक है

एवरेज टीवी जो सबके घर में है वो नहीं है भाई थ्री के इक्वल तो ये इसको ऐसा रखेंगे इट इज जनरली द हाइपोथिस दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू प्रूव ओके एंड द नल एंड दल्टरनेटिव हाइपोथिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे को काटते रहते हो Only one of them can be true. जाहिर सी बात है या तो true होगा मतलब जाहिर सी बात है या तो three होगा या three नहीं होगा दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते ठीक है तो ये था इतना समझ में आया uh, अब

मीन निकालने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो, मतलब एवरेज तो, निकालने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना हां पर एक एग्जांपल देता हूं आ, मतलब जो तुम बोल रहे हो मीन निकालने के बाद हां ऑफ कोर्स वो तो करना पड़ेगा वो फार्मूला में तो देंगे वो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हो रही है कि जैसे कोई बोल दे रहा है कि भाई इसका मीन तो होगा इतना अब तुम उसको प्रूव कैसे करोगे वो है स प्रूव करने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे फॉर्मूला में तो तुम्हें निकालना पड़ेगा तो ये निकालने के बाद ही लग, करते हैं हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक है एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं थोड़ा समझ में आएगा तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है अब देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है टेस्ट प्रोसीजर यूज टू डिसाइड डिसाइडर नॉट मतलब एच नॉट हो गया या एच वन होगा इज कॉल्ड हाइपोथेसिस ठीक है इजी अब क्या टेस्ट कर रहे हैं हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन देखो पैरामीटर किसका था पी से पॉपुलेशन राइट तो हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा मीडियन क्या होगा वेरियंस क्या होगा प्रपोर्शन क्या होगा हमें यह चेक करना है ठीक है अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है बहुत बोल बोलिए अब तुम थोड़ा एक, एक करके दिखाते हैं अच्छा इसके पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना दो टाइप के होते हैं ये हमेशा याद रखना ठीक है एक होता है पैरामेट्रिक टेस्टिंग

मीन होता है ना वो मीडियन के इक्वल होता है और वो मोड के इक्वल होता है ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम देख रहे हो कि जो तुम देख पा रहे हो अभी इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब आ, क्या है ये जो पैरामेट्रिक टेस्टिंग है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग के लिए मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा के लिए ही करते हैं हम लोग ठीक है नॉन पैरामेट्रिक क्या होती है नॉर्मल के लिए हो गया और साथ ही साथ ऐसा डेटा जो नॉर्मल नहीं है तो तुम देखो ये बेल शेप कर्व नहीं है श्रेया है ना तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है ये दोनों के लिए अप्लाई होता है ठीक है इतना हाँ वो बोल सकते हैं ना तो सिमेट्रिक कर्व एक तरीके से आ, या याट्रिक कर्व वी कैन से कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर हाँ ये भी हो सकता है ना कि उसका ऊपर से थोड़ा उठ गया हो Kartosis, जो बात किए थे पिछली क्लास में यस yes, सर है ना तो इट्स लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखो बहुत सिंपल है तुम्हें तो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा uh, तुम्हारा मीन मीडियन मोड इक्वल है और उसका एक कंडीशन भी होता है standard, एक तुम्हें देख के बता देता हूँ uh, एक सेकेंड में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आई गेस जीरो होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सेकेंड बेल बेल शेप कब होती है ठीक है और हाँ यही ये, ये होता है कंडीशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड एंड सिमेट्री अबाउट द सेंटर तो या यू आर राइट ठीक है ठीक है दिवान जी यस yes, सर हाँ तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड मतलब तुम सिमेट्रिक भी बोल लो तो वो हो गया हमारा नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें क्या है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड नहीं होता तो ये क्या होगा ऐसा टाइप का कर्व होगा श्रेया तुम पिछली क्लास नहीं आई थी क्या तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ नहीं आए थे ना तुम हेलो हाँ तो मैं ना तुम्हें एक एग्जाम्पल दे ही देता हूँ एक सेकंड एक श्रेया को पिछली क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ मैंने एक वो लेक्चर सब बंद कर दिए थे एक सेकेंड तो ना श्रेया मैं तुम्हें तो, तो वीडियो दूंगा ही है ना वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था वैसे मैं तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो थोड़ा बता हेलो uh... सर मुझे डाउट था हाँ बोलो सर uh, uh, मतलब स्टैटिस्टिक्स के जब मीन uh, और एवरेज मीन या एवरेज निकालेंगे वो पैरामीटर के इक्वल होगा तब फिर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा लेकिन फिर पैरामीटर का एवरेज क्यों निकाल रहे हैं हां मतलब फिर से बोलो सर uh, जब स्टैटिस्टिक के uh, जब मीन मीन या एवरेज निकालेंगे वो पैरामीटर uh, के इक्वल होगा तब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा लेकिन फिर वो पैरामीटर का हाइपोथेसिस uh, टेस्टिंग क्यों निकालेंगे Uh, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने सैंपल uh, है उसका मीन निकाला और yes, उस हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मीन है ये पैरामीटर से इक्वल हो सकता है उसका परसेंटेज बताओ तो मैं बोलूंगा कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो मान लो थर्टी है मान लो मैंने थर्टी निकाला मीन तो मैं बोलूंगा पॉपुलेशन का मीन थर्टी है ये मैं नाइनटी फाइव परसेंट एक्यूरेसी के साथ बोल सकता हूँ यही तो ये जो ये टेस्ट के बाद एग्जाम्पल तुम्हें बताता तो है हाँ श्रेया तो देखो क्या होता है कि आ, ये तुम्हें दिख रहा होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो इसको ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलेंगे जिसमें आ,

इसी को मैं बोल रहा था कि ये पैरामेट्रिक में आ गया और ये नॉन पैरामेट्रिक में आ गया ठीक है कैन राइट ऑन द बॉक्स ओके तो ये हुआ है ना अब थोड़ा बात करते हैं कि uh, पैरामेट्रिक टेस्टिंग होता है ठीक है और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग हाँ uh, दीपांशी तो मैं थोड़ा क्लियर हुआ

Yes, sir. पर होता क्या है जब हम पैरामेट्रिक मतलब तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना तो पैरामेट्रिक टेस्टिंग जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग मतलब वो एक्यूरेसी ज्यादा देता है अच्छे से देता है ठीक है तो हम लोग ना पैरामेट्रिक टेस्टिंग इसलिए पढ़ते ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाए तो हम पैरामेट्रिक लगा लें और मान लो नॉर्मल नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक लगा लें ठीक है तभी ये पैरा भी हम पढ़ते हैं ठीक है ये समझ में आया यस सर ओके अब एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन uh, है टी टेस्ट ओके okay? ये एक टेस्ट होता है अभी uh, सबका मैं आंसर दूंगा टी टेस्ट क्या होता है अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है अच्छा एक मिनट ना पांच मिनट में शायद ये मीटिंग खत्म होने वाली है ये लिंक में फिर से तुम ज्वाइन कर लेना मैं एक और मीटिंग कर रहा हूँ है ना इस उस लिंक को फिर से ज्वाइन करना और मैं ये क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ठीक है श्रेया देवान जी यस सर ओके मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ शेयर मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज लिंक पे क्लिक कर देना सेम लिंक